एवरीवन, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और तैयारी चल रहा है चिको को स्कूल भेजने का। यहाँ उसका लंच बॉक्स है एंड आज उसका ड्राइंग का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे मैंने कलर वगैरह उसको दे दिया है एंड ड्राइंग कॉपी एंड बुक्स भी दे दिए हैं, पेंसिल। एंड आज चिको के लंच बॉक्स में मैंने सूजी बेसन का हलवा बनाया था और साथ में एक बिस्किट दी थी। और चीकू रेडी हो गया है, यहाँ उसका बैग भी मैं रेडी कर रही हूँ एंड उसको मैं कुछ बता रही थी कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे कलर करना है सब कुछ। एक बार जाते टाइम समझा दो ना तो अच्छा रहता है, बच्चे को याद रहता है। कौन सा एग्जाम स्कूल बता दो? स्कूल का, ड्राइंग का? ओहो, चुछन का। चलो बाय कर दो। हाँ, से बाय करते हैं ना। चलो बाय 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 करो। चलो बाय। अच्छा से एग्जाम देना बेटा। आम आएगा बनाने, आम बना देना, उसको कलर कर देना। ओके, पैर छूने जा, पापा का ही पैर छू लो। वेरी गुड, सब याद रहता है इसको। अपने से याद करके पैर छूने आया। हाँ, कर लो, पैर छू लो। हाँ, वेरी गुड। बाय बाय बेटा, चल। हाँ, ओके, बाय, टाटा। जा जा जा, अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 9:30 का एंड मैं यहाँ पे सोयाबीन बॉयल कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज सोयाबीन आलू की सब्जी एंड दाल चावल बनाना है। चिकू स्कूल चला गया है और चिकू को स्कूल छोड़ के आ गए उसके पापा, फिर सब्जी रोटी आलू चप खाए थे, हस्बैंड लेके आए थे आलू चप। और यहाँ पे मेरा सोयाबीन बॉयल्ड हो गया है और प्याज मैंने कट कर लिया है, साथ में हरी मिर्च। और यहाँ पे ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें तेज़पत्ता जीरा ऐड करूँगी। उसके बाद कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे डायरेक्ट एंड इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन होने तक। यहाँ पे आलू भी मैंने बॉईल करके उसका छिलका छील दिया है। देन अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और मसाले को बहुत अच्छे से आपको फ्राई करना है। देन थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि अभी मैं ड्राई मसाले ऐड करूँगी तो मसाला जलेगा नहीं। तो सबसे पहले धनिया ऐड की है, फिर जो घर का सब्जी मसाला मैं बनाती हूँ वो ऐड की हूँ, लाल मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, फिर काली मिर्च और जीरा का पाउडर ऐड करना है। और सारा मसाला मैं घर पे ही बनाती हूँ। और देखिए मसाला मेरा फ्राई हो रहा है, तब मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी क्योंकि पानी ऐड करके जब हम मसाला भूनते हैं ना तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और मसाला अच्छे से भुन जाता है। साथ में मैंने आलू भी कट कर लिया था, अब हम आलू ऐड कर देंगे और आलू और मसाले को 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जो सोयाबीन था उसको भी हम फ्राई करेंगे आलू के साथ ही। मैं अलग से ऑयल में फ्राई नहीं करती है हूँ क्योंकि उससे ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है और ऑयल हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो आप ऐसे भी न्यूट्रिला को फ्राई कर लेंगे ना तो आपका सेम ही टेस्ट आता है, कुछ टेस्ट अलग नहीं होता। हाँ, आपको 5 से 7 मिनट आलू के साथ न्यूट्रिला को फ्राई करना है। हल्का सा पानी मैं दी हूँ और सब्जी जितना अच्छे से फ्राई होता है उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो
तो 10 मिनट मैं सब्जी को अच्छे से भून लूँगी, और इसके ऊपर ना थोड़ा सा लाल लाल लेयर आ जाएगा क्रिस्पी जैसा, उतना हमें भूनना है। और देखिए यहाँ पे सब्जी बहुत अच्छे से मेरा भुन गया है, और 2 से 4 मिनट में इसको भून करके इसमें पानी ऐड कर दूँगी जितना ग्रेवी मुझे चाहिए। और लटपटा सा ये आलू सोयाबीन की सब्जी मैं बनाऊँगी, एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छा बनता है, और हेल्थ के लिए सोयाबीन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अपने डाइट में ज़रूर इसको इंक्लूड कीजिएगा, हाई प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। एंड यहाँ पे मेरा सब्जी में मैंने पानी डाल दिया है, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। मैं काश्मीरी रेड चिली भी ऐड नहीं करती, फिर भी सब्जी का कलर बहुत सुंदर सा आ जाता है। और आज का बस सिंपल सा यही लंच था, दाल चावल न्यूट्री आलू की सब्जी और धनिया पत्ता की चटनी सलाद। एंड यहाँ पे चीकू स्कूल से आ गया है, और उसको पानी प्यास लगा था तो अपने बॉटल से ही पानी वो पी रहा है, एंड मेरा लंच भी बन गया है। देन चीकू को ना एप्पल खाना था, तो मैं एक एप्पल कट की थी और एक दो पीस मैं खाई, फिर चीकू खाया, एंड उसके बाद मुझे कपड़ा लाने जाना। हे गाइस, चलिए चलती हूँ, थोड़ा सा छत कपड़ा सूखा हुआ है देख करके आती हूँ, सूखा है कि नहीं सूखा है। मॉर्निंग में ही सूखा दी थी, एंड आज धूप भी काफ़ी अच्छा किया है। अगर सूख गया होगा तो फिर लेकर के जाऊंगी। और आज मैंने नया वाला सूट पहना है, कैसा लग रहा है बताइएगा। एंड चीकू भी स्कूल गया हुआ है, जाएंगे उसको भी लेने के लिए। एंड सूट का कलर ना बहुत अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है। डिनर का तैयारी चल रहा है, नेनुआ और प्याज की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो प्याज मैंने कट किया है, साथ में हरा मिर्चा, नेनुआ, उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल देंगे, जीरा और लाल मिर्च का फ़ोरन देंगे, उसके बाद प्याज को फ्राई कर लेना है अच्छा गोल्डन होने तक। उसके बाद हम उसमें नेनुआ ऐड कर देंगे, और कोई मसाला नहीं जाता है, बस इसमें हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। बस इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है, फिर कवर कर देंगे और ये सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। साथ में मैं बना रही हूँ गरम गरम रोटी, एंड बहुत सिंपल सा मैंने आज का डिनर बनाया है। और देखिए सब्जी मेरा रेडी हो गया है बन करके। एंड कभी कभी ऐसा सिंपल सा डिनर अच्छा लगता है, एंड दूध भी मेरा गर्म हो रहा है। तो ये डिनर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था 7:30 में, तो हस्बैंड बोले चलो फिर आज चलते हैं बाहर। ऐसे ही हम लोग स्कूटी से थोड़ा सा जाते हैं, घूम के आते हैं, हवा लगता है ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा कर रहा है। और देखिए मॉल वगैरह कितना अच्छा सजा दिया है, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गया है ना, तो उसके लिए आप सबको हैप्पी नवरात्रि। एंड कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।